दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अपने YouTube चैनल को कैसे हम सर्च में ला सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स YouTube चैनल क्रिएट करते हैं लेकिन उनका चैनल किसी भी तरह सर्च में नहीं आता है और ऐसे में वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमारे चैनल को सर्च में नहीं आने के दो तीन रीजन होते हैं, जैसे कि आपने उस पर अच्छे से SEO नहीं किया है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने अपने चैनल का अच्छे से नहीं किया है और आपने अपने चैनल पर अच्छा से उसका कीवर्ड सेट नहीं किया है, जिस कारण से सर्च में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं 5 मिनट के अंदर में किसी भी एक नए से नए YouTube चैनल को सर्च में ला करके दिखाऊंगा और वो भी बिल्कुल टॉप पर। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो YouTube चैनल को सबसे पहले सर्च में आने के लिए दो तीन चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले आपका जो YouTube चैनल है उसका नेम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए और सबसे हट के होनी चाहिए, और दूसरी कि आपके चैनल पर SEO बिल्कुल ही अच्छे से होनी चाहिए और उसका कीवर्ड अच्छे से सेट होनी चाहिए। तो YouTube चैनल का नेम तो आप खुद से क्रिएट कर चुके हो या आपने कर लिया होगा, तो इस बात को स्किप करते हैं और दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि अपने YouTube चैनल को सर्च में लाने के लिए कैसे अच्छे से उसका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और उसका कीवर्ड कैसे सेट करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा आपको मैंने बताया था कि नंबर वन पे कि हमें अपना जो YouTube चैनल है उसका नेम बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। तो मेरे पास कोई भी यहाँ पर चैनल नहीं है, तो यहाँ पर क्रिएट ए चैनल पर क्लिक करके और यहाँ पर एक चैनल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने इसक वाला क्रश के नाम से एक YouTube चैनल क्रिएट करने का सोचा है, तो चलिए इसी नाम से यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा चैनल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम YouTube पर इस नेम को सर्च करते हैं कि इस नेम से कोई चैनल है या नहीं। यहाँ फिल्टर करेंगे, फिल्टर में आएंगे चैनल पर, यहाँ पर जो इस नेम इस चैनल वो शो करेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसक वाला क्रश के नाम से कोई भी यूट्यूब चैनल यहाँ पर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आपको एक डेमो दिखाने के लिए वहाँ पर अपने चैनल पर आते हैं और चैनल पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप अपलोड करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो वीडियो था वो अपलोड हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें अपने YouTube चैनल को सर्च में लाने के लिए कुछ कुछ सेटिंग करने होते हैं, कुछ टाइटल, कुछ टैग, डिस्क्रिप्शन और कुछ कीवर्ड हमें सेट करने होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ सेटिंग है, उस सेटिंग पर हमें क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर चैनल है, उस पर आना है और चैनल में यहाँ पर हमें कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, तो सिंपली यहाँ पर इंडिया से है तो यहाँ पर इंडिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड है, इस कीवर्ड में हमारा जो चैनल के अकॉर्डिंग जो कुछ भी आता है वो सब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर मेरा चैनल नेम है इसक वाला क्रश, तो यहाँ पर मैं इसक वाला क्रश के नाम से यहाँ पर बना लूँगा। इसके बाद बिना स्पेस का भी यहाँ पर एक इसक वाला क्रश कुछ इस तरह से टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोमा टाइप करनी है। उसके बाद मान लीजिए हमारा जो ये चैनल है वो कुछ स्टेटस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे स्टेटस। उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें कोमा टाइप करनी है। उसके बाद दो तीन तरह से यहाँ पर इस्क वाला क्रश हम यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे कि इस तरह से भी हमें टाइप करना है, इस्क फिर कोमा वाला फिर से कोमा और क्रश। उसके बाद फिर से सेपरेट के लिए कोमा यहाँ पर हमें दे देना है। इस तरह से हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर चाहे तो व्हाट्सएप स्टेटस भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें सेपरेट यहाँ पर कोमा देना है और इस तरह से इतना करने के बाद यहाँ पर हमें सेव पर क्लिक कर देनी है। तो इस तरह से हमारा जो सेटिंग था वो सेव हो जाता है। और उसके बाद हमें इस वीडियो पर आना है, हमारे आपके चैनल पर जो कुछ भी वीडियो ऐड है, जो वीडियो अपलोड है, उस पर हमें आना है और हर वीडियो पर आप चाहे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि हमारा चैनल जल्दी से रैंक में आए। तो यहाँ पर एड वाला ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करनी है। उसके बाद हमारा वीडियो का जो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्राज़ील का वीडियो छोटा सा क्लिप ऐड किया है, अपलोड किया है, तो इसे ब्राज़ील के नाम से मैं रहने देता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर एक पूर्ण विराम देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो या कुछ भी। और यहाँ पर भी अपना यूट्यूब चैनल का जो नेम है उस नेम को यहाँ पर हमें टाइप करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आना है, डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का यहाँ पर नेम इंटर करनी है आप। और यहाँ पर भी अपने यूट्यूब चैनल का नेम लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, तब जाकर के हमारा जो चैनल है या फिर जो वीडियो है वो सर्च में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो वीडियो है उस वीडियो के बारे में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, या अपने सोशल मीडिया के जो लिंक्स है वो लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर मैं वो सब नहीं दे रहा हूँ, बस आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कैसे मैं अपने चैनल को सर्च में लाना है। अपने वीडियो से रिलेटेड कुछ यहाँ पर टाइप कर लेंगे, उसके बाद में अपना चैनल का नेम यहाँ पर बिल्कुल डालना ही डालना है, तब जाकर हमारा चैनल सर्च में आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यहाँ पर टैग्स, जो टैग्स है उस वीडियो के बारे में कुछ भी लिख लेंगे। अपने YouTube चैनल का जो नेम है उस नेम को यहाँ पर भी हमें टाइप करनी है। और आप यहाँ यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं, आपको जो भी अपने वीडियो से रिलेटेड है, आपका वीडियो जिस चीज़ से रिलेटेड है आप उसके बारे में यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं। फिर चैनल को यहाँ पर सर्च लाने के लिए बस इतना काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन है उस सेव पर हमें क्लिक कर देनी है।
तो इस तरह से हमारा जो वीडियो है वो अपलोड हो जाता है, सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है सारा सेटिंग। तो इतना कुछ करने के बाद हमें कुछ देर वेट करनी है, हो सकता है कि 5 मिनट, 10 मिनट या फिर आधा एक घंटा भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स, करीब 2 घंटे हो चुके हैं और अपने यूट्यूब पर आकर देखते हैं कि हमारा चैनल सर्च में आया या नहीं। यहाँ पर सर्च करेंगे स्क्वाला क्रश। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो चैनल है वो फर्स्ट नंबर पे ही शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चैनल पर बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर थे, उसके बावजूद भी यह चैनल टॉप में सर्च में आया। तो इस तरह से हम 5 मिनट की सेटिंग करके और अपने चैनल को सर्च में ला सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 घंटे के अंदर में सर्च में ला दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार वह 2 घंटे या फिर उससे पहले आएगा। हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए या फिर उससे लेट भी हो जाए। कभी कभी 12 घंटे, 24 घंटे, कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और बिल्कुल बेफिक्र रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको अपने चैनल को सर्च में लाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट पर बता सकते हैं, मैं पूरी आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।